शहर के सविना फल सब्जी मंडी व्यापारियों ने 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। व्यापारियों का कहना है कि होलसेल व्यापारियों को जब प्रशासन ने व्यापार करने की अनुमति दी है तो ऐसे में पुलिस द्वारा व्यापारियों को रोज बेवजह परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस मंडी में आने वाले किसानों, रिटेलर और दुकानदारों पर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। यहाँ तक वाहनों में हवा भी निकाल रहे हैं और तो कई जनों के पास तक भी फाड़ दिए। ऐसे में सभी व्यापारियों ने फैसला लिया है कि रविवार को तो व्यापार बंद रखा ही जाएगा, साथ ही में आने वाले 4 दिन तक पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वह अपना रवैया सही करें, नहीं तो आगामी 30 से फल सब्जी मंडी पूरी तरह से अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद रखी जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से लगभग 20-25 दिन पहले, जब कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा चल रही थी, सब्जी मंडी काफ़ी भीड़ रहती है, हम खुद घबराए हुए थे। इससे हमने मंडी समिति से निवेदन किया था कि बॉस, यहाँ अगर सब्जी मंडी खुलेगी तो भीड़ रहेगी, क्योंकि ग्राहक, किसान, लेने वाले, देने वाले, उनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम खुद इस चीज़ से डरे हुए थे और इसका हम बहुत ध्यान रख रहे थे। ठीक है, अब 3-4 दिन पहले अन्य राज्यों में सब्जी मंडी में कोरोना का प्रकोप अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह को देखते हुए मंडी समिति के सचिव हमने संजीव पंड्या साहब से मीटिंग की और मंडी सुचारू रखने के लिए कि भीड़ कम कम कैसे करें और सब व्यवस्थित कैसे करें हमने किया। उसके तहत हमने, डिप्टी साहब जी मौजूद थे, मंडी में 4-व्हीलर अलाउ हमने नहीं किए। 4-व्हीलर हड़ी रानी चौराहे पर स्टिकर लगे हुए, 2-व्हीलर व्यापारियों के अंदर उसके हुए, आम रास्ते खुलवाने के लिए जो बंद रास्ते प्रभावशाली लोगों द्वारा बंद किए हैं परमानेंटली, रोडों पे अतिक्रमण, वो सब हमने हटवाने के लिए सारी कार्रवाई हम कर चुके थे। ठीक है, मंडी व्यवस्थित रूप से चल रही थी। पिछले 2 या 3 दिन से अचानक सुबह 4-4:30 बजे जैसे भी कोई व्यापारी अंदर आ रहा है, सबसे पहले व्यापारी के साथ बुरी कदर का दुर्व्यवहार, लाठीचार्ज, उनको गाली गलौच, मतलब व्यापारी ना हुआ पता नहीं क्या समझ लिया। आज आपको एक छोटी सी जानकारी, मुझे वो कहते हैं करके वो बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता दूं, पिछले 35 दिनों सब्जी मंडी से कम 1-1.5 टन सब्जियां, आप कहते हैं व्यापारी व्यापार करने के लिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कमाने में, 1-1.5 टन सब्जियाँ अलग अलग संस्थाओं के मार्फत अलग अलग रसोइयों में निःशुल्क दी जा रही हैं। कलेक्ट्रेट में जितना हमने कर सकते थे सहयोग हमने किया, उसके अलावा भी व्यापार मंडल का हर व्यापारी और व्यापार मंडल अपने स्तर पे हर कुछ कर रहा है, जनता की भलाई के लिए यहाँ सब कुछ कर रहा है। आज सुबह 4 बजे सब गाड़ियाँ आ रही है, 2-व्हीलर आ रही, सब 2-व्हीलर तक व्यापारियों को रोक के होमगार्ड साथ में, जो हर व्यापारी को पहचानता है, व्यापारी द्वारा पास बताए जाने पर पास फाड़ दिए गए, बहुत व्यापारियों के पास फाड़ दिए गए। 2-व्हीलर वहाँ बाहर खड़ी करवा कर खुली धमकी कि गाड़ी भी यहाँ खड़ी करो, और खड़ी तो कर रहे हो पर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम गाड़ियाँ तो ले जाएंगे। अब साहब ये 10:50 का टाइम हुआ है, 11 बजे तक का ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद में आधा घंटा हिसाब किताब करने में व्यापारी को लगता है। ठीक है, ये 10:50 का टाइम है, लाखों करोड़ों का माल, किसान रो रहे हैं आज, किसान समझिए रोड पे आ गए हैं। जो चीज़ 15-20 रुपए किलो बिक रही थी, आज 15-20 रुपए थैली में भी कोई लेवल नहीं है, सब्जियाँ पूरी सड़ रही है, सारी दुकानें भरी हुई है, गेट पर रोक कर लाठीचार्ज, अंदर सब्जी मंडी में दुकानों में घुस कर लाठीचार्ज। अब सब्जी में व्यापारी अब घर जाने के लिए साहब जा रहे हैं कि हमें ऐसा व्यापार करना ही नहीं, घर जा रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं सारी गाड़ियों की हवा निकाल दी गई है, बहुत गाड़ियों को तो सुबह से नौबे तोड़ दी गई है। कारें जिनके ऊपर स्टिकर लगा रखा है आपके कहे अनुसार कि व्यापार मंडल का साहब है, उनकी नंबर प्लेटें तोड़ दी गई है। अब आप बताएं, क्या व्यापारी चोर है? क्या किया व्यापारी ने, क्या गलती की, हमें समझाए। प्रशासन का हर हिसाब से हम सहयोग कर रहे हैं, हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, आम जनता के लिए बार बार निवेदन करते हैं, साहब मंडी में भीड़ मत करो, सोशल डिस्टेंस करो, मास्क ये करो वो करो, हर चीज़ में हम अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अभी कमाने नहीं आए, हमारा परिवार नहीं आने दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत कमाई का बड़ा हिस्सा है, एक संस्थाओं को और सबके तरफ शहर के प्रति हम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी अगर ऐसी दुर्गति होगी तो माफ़ कीजिए, हम 30 तारीख से मंडी अनिश्चितकाल की हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हम और नहीं सहन कर सकते, क्योंकि देखते देखते हमें बहुत हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय को, हम हर हाल में शहर के साथ में हैं, हम हर हाल में प्रशासन के साथ में हैं, पर हम इन चीज़ों से घबरा गए हैं। रोज़ व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं रोज़ सुबह अगर मैं आता हूँ और 10 व्यापारी 20 व्यापारी व्यापारियों के प्रतिनिधि आके मेरे पास बताते हैं कि आज मुझे ये डंडा मारा, आज हमारे वरिष्ठ व्यापारी जिनकी उम्र 60 से 70 साल की है, उनको माँ बहन की गालियाँ, गंदी गालियाँ, क्या ये उचित है? जो 50 सालों से 60 सालों से पुश्तैनी धंधा कर रहे हैं बेचारे, वो बिल्कुल आ रहे हैं उस अनजान आ रहे हैं, 5 बजे सुबह उठ के यहाँ पे आ रहे हैं और उनको आप गाली गलौच यार, तो ये कोई तरीका नहीं है। और हम इस हालत में बिल्कुल व्यापार करने के मूड में नहीं है, हम 30 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे और इसकी सूचना हम कल, आज या कल में हम कलेक्टर महोदय को दे देंगे। हम सर, आपके जो पास बने हुए हैं जी व्यापारियों के, उनके पास में ये मेंशन किया हुआ है कि उसको ये पास
घर से मंडी आने और मंडी से घर जाने की जी व्यापारियों को पास बिल्कुल किए हुए गाड़ी बिल्कुल 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 अगर कोई ऐसा व्यापारी पाया जाता है जो उस पास का दुरुपयोग कर रहा है तो जी उस पे आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है? नहीं बिल्कुल, देखो दुरुपयोग तो तब होता है कि जब उसका मौका नहीं दिया जाए। अब जैसे व्यापारी सुबह घर से आता है, 5 बजे से घर पर आ जाता है, ठीक है, 3 या 4 नाकों पर अगर भोपालपुरा से निकलता है तो 3 या 4 थाने पड़ जाते हैं, अंजुमन मुखड़ी चौक से निकलता है 3 या 4 मिल जाते हैं। अब आते जाते वक्त हर नाके पर रोक के, ठीक है मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, 50% जो प्रशासन है वहाँ पुलिस अधिकारी बैठे रहते हैं वो पास को मान्य रखते हैं। अब 50% ये होते हैं पास को फेंक देते हैं, अब उसके सुबह सुबह गाली गलौज। अब 5 बजे यार वो बंदा उठ के आ रहा है, उसके साथ गाली गलौज, लड़के हैं बेचारे जो स्टाफ हैं, आप एक तो शहर में आप टिफ़िन सेवा कर रहे हो साहब, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया, अपन भूखों को खाना खिला रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे गरीब बेचारे जो पूरी तरह आश्रित है, ठीक है, पर वो भीख मांग कर या किसी के ऊपर डिपेंड होकर वो खाना नहीं खा सकते, किसी से मंगवा नहीं सकते दादा, वो नौकरियां कर रहे हैं बेचारे जैसे तैसे कर रहे हैं। ये गेट सब्जी मंडी हमारे गेट से बाहर निकलती है उनको लाठियां पड़ती है, वो पास बता रहे हैं कि साहब हम फलानी दुकान में नौकरी कर रहे हैं। नहीं सर, पर पुलिस का ये कहना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं उनकी वजह से शायद दूसरों को भी मुझे लगता है परेशानी हो रही होगी। नहीं तो आप जो पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना पास आगे लगा के हाँ, दूसरे काम के लिए किसी को बिठा के लेके जा रहे हैं और दूसरा काम करवा रहे हैं, पूरी तरह एक्शन लें, हम साथ हैं उनके, पूरी तरह एक्शन लें। अच्छा मंडी समिति ने 5 बजे से सुबह 11 बजे तक का टाइम सब्जी मंडी व्यापार मंडल के लिए मुकर्रर कर रखा है व्यापार के लिए, ठीक है 11 बजे तक व्यापार होता है, उसके बाद 1 घंटा मात्र अगर किसान जो माल लाते हैं उनका हिसाब करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो 1.5 घंटा हमें उसमें लगता है। हम वो नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी मंडी, हम मंडी प्रशासन तो कह रही है, इवन सब जने कह रहे हैं कि मंडी में हमें शायद अधिकार है ऐसा कुछ कि हम मंडी ज़्यादा समय के लिए खुली रख सकते हैं, पर हम डरे हुए हैं इस बीमारी से, हम खुद नहीं चाहते हैं कि मंडी का समय हम ज़्यादा खींचें या कोई ऐसी तकलीफ दें। अब सुबह सुबह 5 बजे व्यापार के टाइम पर हमारे दोनों तीनों सब्जी मंडी के गेट बंद कर दिए गए हैं परमानेंट, महीने भर से 1.5 घंटे के लिए गेट खुलते हैं, बाकी गेट बंद है। भीड़ इतनी जब देखते हैं पूरा प्रेशर आ गया है, गेट खुलते ही नहीं है। अब जब आप सब गेट बंद कर दोगे तो कौन इंसान आएगा, कौन जाएगा, कैसे करेंगे ये भाई व्यापार कैसे करें, आप हमें समझा दिए। सेमी होलसेल आपने बंद कर दिया है, रिटेल तो चलो आपने अच्छी पहले जो भी है 150-200 से रिटेलर ज़्यादा आज घर पे बैठे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ वो भीख नहीं मांग सकते हैं, वो कमा खाने वाले इंसान हैं, मजबूरी में अपने हालात काट रहे हैं वो जैसे तैसे, हम इस बीमारी को देखते हुए उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। पर यार सेमी होलसेल तो बंद मत करो, आज जो थेले वाले लारिया वाले जिनको आपने परमिशन दी है, छोटे मोटे ऑटो वाले आपने, होम डीलर वाले, ऐसे कम से कम 400-500 को अदर्स को आपने सब्जी वालों के अलावा परमिशन दी है, वो 10-10 किलो की 20 वेराइटियाँ 10 वेराइटियाँ अपने थेलों पे भरते हैं। अब 10-10 किलो की आप उनको यहाँ भी नहीं लेने दोगे, कहाँ जाएगा? हाड़ी रानी चौराहे बंद, मुखड़ी चौक बंद, सारी मंडियाँ बंद, उसके बाद बोलो आप ये मंडी आपको खुली भी रखनी है, हम ग्राहक भी नहीं आने देंगे, हम व्यापारियों को भी डंडे मारेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप कीजिए, हमें अपना परिवार, हमने अपना शहर प्यारा है, हमें अपनी जान की चिंता नहीं है, पर अगर हमें कुछ हो गया या हमें किसी ने कुछ हो गया पूरा शहर खराब होगा। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऐसे जलालत वाले माहौल में हम व्यापार नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं प्रशासन से, हमें इजाज़त दें कि हम तुरंत इस सब्जी मंडी को बंद करें। AJ Airline and Hotel Management Academy, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल। एडमिशन ओपन, फर्स्ट फ्लोर, पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट अग्रवाल धर्मशाला, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 7023144442, 8107392702, वेबसाइट www.aha.udaipur.com।